हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आपकी गार्डनिंग अच्छी चल रही होगी। तो मैं आई हूँ फिर से अपनी मम्मी के घर, और ये देखिए मनी प्लांट जो मेरी सीढ़ियों पे लगे हुए थे ना, मम्मी ने ला करके ऊपर लगा दिए हैं और ये कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा वरना गर्मियों में ये मर जाएगा। और उसके अलावा ये मेरा कॉपर प्लांट है ये भी, तो इसकी बड़ी बुरी हालत हो रही है क्योंकि इसमें किसी ने पानी नहीं डाला था 3-4 दिन तक। और यह है मेरा क्रोटोन का प्लांट जो कि ठीक ठाक कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। यह है डेविल्स बैकबोन, तो इसके सारे पत्ते जो है ना वो झड़ गए हैं। और ये जो है ना, ये देखें, इसके सारे पत्ते जो है ना एकदम हरे भरे हैं। ये कटिंग बाद में लगाई थी तो इसके पत्ते जो है बिल्कुल ही हरे भरे हैं, तो इसको अभी कुछ नहीं हुआ है। इधर भी कुछ कटिंग्स लगाई हुई है मनी प्लांट की, ये देखिए कितना बुशी हुई है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है ये। अच्छा, ये ना कटिंग लगाई थी मेरी मम्मी ने कॉपर प्लांट की, तो ये ना यहाँ पे धूप लगती है तो इसलिए ना ये मुरझा गया है, वरना इसकी कटिंग जो है ना बहुत ही ईजी लग जाती है। तो इसको मैं यहाँ से हटा करके किसी और जगह पे रख देती हूँ ताकि ये जले नहीं। तो इसको मैं इधर रख दे रही हूँ क्योंकि इधर धूप बिल्कुल नहीं आती है। उसके अलावा जो है इधर मैंने जेट प्लांट लगाए हुए हैं, तो ये, और ये है मेरा ये प्रोटोन का प्लांट जो कि कटिंग से लगाया हुआ है, और ये ना बहुत ही इजीली लग जाता है कटिंग से। और इधर भी देख सकते हैं ये जेट प्लांट लगे हुए हैं, ये यहाँ पे स्नेक प्लांट लगा हुआ है इसमें एक, जो कि पत्ते से ग्रो किया हुआ है। और ये रहे, ये अजवाइन का प्लांट है जो कि मैंने लगाए हुए हैं, ये शायद लहसुन बोए हुए हैं या प्याज है, लहसुन ही बोए हुए हैं। ये कॉपर प्लांट, तो कॉपर प्लांट का कलर जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, और जैसे ही सर्दी चली जाएगी ना इसके पत्ते जो है वो हरे हो जाएंगे, तो नई ग्रोथ आप देख सकते हैं इसमें, इसमें अब हरे हरे पत्ते निकलने शुरू होंगे। और इधर भी सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा प्लांट है नहीं तो उन्हीं को अम्मी जो है कटिंग से ग्रो करती रहती है। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे हैं, ये पत्थर चट्टा है, ये सदाबहार है, ये मेरा बहुत ही पुराना प्लांट है, ये अभी तक हमारे गार्डन में बना हुआ है। इधर भी जो है अजवाइन का प्लांट है, ये गिलोय लगी हुई है इसमें, ये गिलोय की जड़ें हैं जिसमें गर्मियों में अभी पत्ते निकलने शुरू होंगे। और ये इधर मनी प्लांट टंगे हुए हैं, और इन गमलों को ना बहुत ही अच्छे से कलरफुल पेंट कर दिया है अम्मी ने, तो ये काफ़ी कलरफुल हो गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। और एक ये है हमारा, इसमें भी ना ग्रोथ शुरू हुई है, इसके सारे पत्ते वत्ते झड़ गए थे और इसको काट दिया था, तो इसमें ये कलरफुल बल्ब लटक रहे हैं। तो आजकल अम्मी भी कुछ कलाकारी करती रहती हैं, तो बैठ के ना वो कुछ नहीं करती हैं तो पेंट करती रहती हैं। और धूप जो है बड़ी अच्छी खिल रही है आजकल। और ये मेरा नींबू का पेड़ है जिसमें छोटे छोटे से नींबू होते हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा खट्टे होते हैं, तो ये कुछ उस वो वाला नींबू का प्लांट है, और ये बीज से उगा हुआ है, ये कागज़ी नींबू है, तो इसमें ग्रोथ कब होती है पता नहीं। और उसके अलावा इधर भी कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, तो इधर जो है ना ये कैना लिली का प्लांट है जिसमें कौन से कलर के फूल खिलते हैं मुझे याद भी नहीं क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे देखे हुए। और इधर मेरा ये मेरा फेवरेट प्लांट है, ये जो है देखिए कितना ऊँचा है, ये ऑलमोस्ट इसकी हाइट का है। और इधर भी जो है, अच्छा इधर ये जेट प्लांट लगे हुए हैं, ये मैंने अपनी मम्मी को ला करके दिया था, उसमें पानी भी नहीं डला है, सूखा हुआ है ये। और ये है क्रोटोन का प्लांट, मेरे पास क्रोटोन के ना बहुत सारे प्लांट थे, इनमें ना कीड़े लग गए थे छोटे छोटे से, बिल्कुल बारी बारी से वाइट कलर के जो होते हैं ना वो, तो इसके पत्ते जो है ख़राब हो गए हैं, तो इनको कट कर देंगे तो नई ग्रोथ जो है, नई ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई। इसको धूप में रख दिया था, वरना ये शेड में रखते हैं हम, धूप में नहीं रखते हैं, 1 घंटे की 2 घंटे की धूप लगती है इस पर, इससे ज़्यादा की धूप नहीं लगाते हैं। और ये कटिंग से लगाया हुआ है मैंने, ये भी लग गया है। ये हमारा टमाटर का प्लांट है, तो ये अभी कुछ ना ऐसे ही पड़े हुए, ये तुलसी है जो कि तुलसी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, अब ये रिकवर हो रहा है, वो गुलदाउदी है। और इधर ये कुछ ऐसे प्लांट्स रखे हुए हैं, तो छत जो है हमारी फिलहाल कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। और ये पर्पल कलर ना बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये वो प्लांट पॉट्स हैं जो कि अम्मी ने लगाए हैं, और इसको धूप नहीं मिल रही थी क्योंकि ये यहाँ पर रखा हुआ था, तो इसके पौधे की हालत जो है ना बड़ी ख़राब सी हो रही है, जबकि इस वाले प्लांट की हालत जो है वो बहुत अच्छी है। और इसमें ये क्या ही था, इसमें कोलियस लगा हुआ था जो कि मर गया,
इधर भी जेड प्लांट लगे हुए हैं। और ये जो प्लांट है ना, ये दोनों बड़े अच्छे चल रहे हैं। और ये पेंसी का पौधा है जो कि मैंने अम्मी को गिफ्ट किया था, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अगली बार ना मैं भी लगाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने लिए नहीं लिया था, ये अम्मी के लिए लिया था। एक ये भी पेंसी है, और ये पीला वाला भी जो है ये पेंसी ही है। तो ये बहुत ही खूबसूरत से हैं, और इसके बीज भी देखे थे मैंने, ये रहे इस तरीके से इसके सीड्स ग्रो होते हैं। तो मैंने पर्पल वाले के थोड़े तोड़े थे, और इसके भी मैंने नहीं तोड़े। ये देखिए कितने सुंदर से फूल हैं, बहुत ही छोटे छोटे से फूल खिलते हैं इसके, और ये बहुत ही प्यारा लगता है। और ये है सालविया, तो इसमें ना वाटरिंग नहीं भी ना, तो ये पौधा जो है वो ख़राब हो गया। और कबूतरों का इतना आतंक है ना कि हर जगह सिर्फ कबूतर ही कबूतर घूमते हुए मिलते हैं। और ये मैंने कटिंग लगाई थी जो कि लग गया है, अब इसमें ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ नए पौधों के साथ, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से नए पौधे लगाए नहीं हैं। तो जब लगाऊंगी ना, तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। और इधर ना मेरा मोरपंख का भी पौधा है जिसे मैंने काट दिया है, और इसको यहाँ से अब हटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ पर दिन भर धूप लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।